कोटा में शादी का झांसा देकर युवती के साथ देह शोषण का मामला सामने आया है। एक मुसलमान युवक ने पढ़ी लिखी हिंदू लड़की के साथ अपना धर्म छुपाकर दोस्ती की, फिर एक ही समाज का बताकर शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 2 साल बाद जब लड़की को युवक के मुस्लिम होने और 2 बच्चों के पिता होने की बात पता चली तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन मुस्लिम युवक ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से उसके साथ देह शोषण करना शुरू कर दिया। धमकी से तंग आकर युवती ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत देने के बाद युवक ने परिजनों पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया। युवती को जान से मारने की धमकी मिली। युवती ने बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके हिंदू संगठन से मदद की गुहार लगाई और इसके बाद मुस्लिम युवक पर केस दर्ज हुआ। ये मामला सोचने में मजबूर करता है कि आखिरकार हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आइए देखते हैं इस खास खबर को IPN न्यूज़ के साथ। मेरे जान पहचान हुई थी, मोबाइल सही करवाने गई थी, तो उसके बाद में इसने मोबाइल देने आया रोड पे। धीरे धीरे मतलब ऐसे फ़ोन करने लगा, हमारे बीच में जान पहचान होगी। इसने खुद को मेरा जाति का बताया, तो उसके बाद में मतलब मैं इसके कांटेक्ट में आ गई। तो फिर एक दिन है ना 14 फरवरी के दिन हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, मतलब शारीरिक ये बन गया हमारा संबंध। फिर उसके बाद में मुझे पता लगा वो 2019-20 में कि है ना ये मतलब जाति से मामला नहीं। जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि हाँ हूँ, मेरी शादी भी हो रही है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो उसके बाद में मैंने इसका विरोध किया, तो फिर इसके घर वालों को भी पता लग गया। घर वालों ने कहा कि है ना अगर तूने कुछ भी किया मेरे बेटे के खिलाफ या कहीं पे भी गई तो तेरे ख़ानदान को और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गर्दन काट देंगे और है ना क्या खून मांस निकाल लेंगे, ये वो इस तरह की है। फिर कम से कम 2021-22 से तक लेके इसने वीडियो क्लिप बना रखी थी, उसके जरिए मेरे साथ ही ये संबंध बनाता था और है ना मतलब धमकियाँ देता था कि अगर तूने कहीं पे भी जाके ये बोला शिकायत की कुछ भी की तो फिर देख लेना तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर अभी जब मैंने लास्ट में शिकायत वगैरह सब कर दी तो मतलब इसके रिश्तेदार, इसके जो दोस्त थे वो घर पे आके मतलब धमकियाँ दे रहे और मतलब बोल रहे हैं कि ना क्यों करवाए तुमने, वापस ले लीजिए ऐसे तैसे, ये मामला ये निपटा दे इस तरह की। अभी कल परसों भी घर पे आए तो घर पे से आके रूम में से आके डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले गए मेरे, इस तरीके से घर में भी घुस जाते हैं और